Back in the trailer, a technician pulled up astonishing images on touch on a computer screen. Astonishing means very surprising. images computer screen CT scanner. A gray head took shape from a scattering of pixels, and the technician spun and tilted it in every condition, direction. अब आप, आपको मालूम है थ्री डी जो जो भी आप को एक शेप अगर आप देखना चाहते हैं थ्री डी वे में तो यू कैन स्पिन इट स्पिन का मतलब आप जैसे चाहो उसको घुमा फिरा कर देख सकते हैं टिल्ट टिल्ट मतलब आप जैसे भी उसको बैंड करके देखना चाहो जिस तरह से भी देखना चाहो आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा टेढ़ा करके देखना चाहो तो देख सकते हैं ओके नेक वर्टेब्रा अपियर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटमी क्लास नेक वर्टेब्रा मीन्स जो गर्दन की हड्डी होती है ना वो छोटी छोटी हड्डियों का एक तरह से इट इज़ एक्चुअली एक हड्डी नहीं होती उसमें बहुत ही छोटे छोटे uh, हड्डियाँ होती उससे वो बनी होती है वर्टेब्रा तो वो भी बहुत क्लियरली दिख रहा था जैसे एनाटॉमी क्लास में देखते हैं लोग एनाटॉमी क्लास क्या होती है तो दे एक्सप्लेन यू दे द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी स्केलेटन एंड ऑल तो उसमें जो बॉडी मीन स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है वो उसमें कहीं भी कोई चीज़ टूटी नहीं होती है वैसे ही यहाँ पर उसके नेक वर्टेब्रा में कोई हार्म नहीं हुआ था अदर इमेज रिवील्ड रिवील्ड हैंड ठीक है सेवरल व्यूज ऑफ केज एंड ट्रांसक्शन ऑफ इज स्कल उसके स्कल का ट्रांसैक्शन किया गया था ठीक है सी टी स्कैनर यही काम करता है ट्रांसैक्शन करता है वो ठीक है अब ट्रांसक्शन क्या है तो यहाँ पर नैरो क्रॉस सेक्शन जो कि अलॉन्ग विद विच ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट्स आर मेड ओके ओके सो बट नाओ बट फॉर नाओ द प्रेशर वॉज ऑफ अब ज़्यादा प्रेशर नहीं था अब सब कुछ ठीक था सिटिंग बैक इन द चेयर यही हवा स्माइल्डिबली विजिबली रिलीफ दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग अब थोड़ा रिलीफ फील कर रहा था कि हाँ अब कुछ गलत नहीं हुआ नहीं तो उसको भी डर लग रहा था कि कुछ गलत हो जाता तो जो कर्स ऑफ फैरो है वो हमारे ऊपर टूट पड़ता श्राप लग जाता आई डेंट स्लीप दैट लास्ट नाइट आई स्लीप आई डेंट स्लीप लास्ट नाइट फॉर अ सेकेंड ये आवाज़ बोल रहा है दिस इज द लास्ट पैराग्राफ बाई द टाइम वी लेव द ट्रेलर अब आपको याद है कि जब उस सिटी स्कैन करने के लिए ट्रेलर पे स्कैनर रखा हुआ था और फिर उसकी बॉडी को लाई गई थी इतना और फिर बॉडी वापस ले गया ले जाया गया तो उसमें साढ़े तीन आई मीन तीन घंटे से कम लगा लेस देन थ्री आवर्स ये सब करने में तब तक उस ड्यूरेशन में बहुत जोर से हवा चल रही थी रेत बहुत उड़ रही थी इतना याद है ना बाई द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड द हैड स्टॉप्ड तब तक तो विंड स्टॉप हो गई क्योंकि उसको तब तक मतलब ये इंडिकेट करना चाहते हैं कि जब फैरों को रख दिया उसके उसी प्लेस पर जहाँ पे उसको दफनाया गया था तब जाके विंड शांत शांत हो गई विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल अब विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल बहुत ज़्यादा ठंडी और स्टिल मतलब शांत हो गई लाइक डेथ इट सेल्फ इन हिज इन दिस वैली ऑफ डिपार्टेड वैली ऑफ डिपार्टेड मीन्स द वैली ऑफ द डेथ पीपल बहुत ही देख uh, एक्चुअली uh, वो पूरे वैली में खड़े थे वहाँ पे इट वॉज मतलब वो वैली क्या है वहाँ पे सारे मुर्दे ही हैं तो इट वॉज ऑल आई मीन दे ऑलरेडी स्कैड जस्ट अबा ऑफ द एंट्रेंस टू दाम टू टॉम्स सॉरी टट्स टूम टू डरियन टट के टूम के ठीक ऊपर और मतलब द कॉन्स्टेलेन ऑफ स्टार्स ठीक है उसका पिक्चर मैंने आपको सेंड किया है पी डी एफ में आप चेक कर लेना द कॉन्स्टेलेशन ऑफ स्टार्स दैट द एंशियन इजिप्शन न्यू एज दोल ऑफ ऑसिश ऑसिस कौन है द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ मतलब अगर आसमान में ओरियन दिख रहा है कॉन्स्टलेशन दिख रहा है तो समझ जाने का कि ओसिरिस जो गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ है दैट ऑल्सो एग्जिस्ट एंड दैट इज़ वॉचिंग ओवर द बॉय किंग वो अभी भी उस किंग टट के ऊपर नजर रखे हुए है वो उसकी रक्षा कर रहा है ऐसा ओके यू कैन सी द सोर्स फ्रॉम नेशनल जियोग्राफिक वॉल्यूम टू ज़ीरो सेवन नंबर सिक्स